गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम ललिता शर्मा फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़, लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक गवर्नमेंट बजट. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द बजट? बजट किसे कहेंगे? इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर. दीज आर कॉल्ड द गवर्नमेंट बजट. या हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर. इट मीन्स दीज आर द फोरकास्टिंग बजट. अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, यानी जिसको हम एज ए फर्स्ट अप्रैल से 31st मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर. का मतलब होता है जो 1st अप्रैल से स्टार्ट होकर 31st मार्च तक का टाइम पीरियड होता है, दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर. राइट? इट मीन्स दीज आर नॉट द एक्चुअल बजट, दीज आर द एक्सपेक्टेड बजट. इट मीन्स जो अब स्टार्ट होगा, जैसे सपोज करें इस अप्रैल से शुरू होकर और लास्ट 31st मार्च तक जो चलेगा वो फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर होता है. ये एक्सपेक्टेड बजट होता है, एक्चुअल बजट नहीं होता है. देन व्हाई द गवर्नमेंट प्रिपेयर द बजट? देन व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट बाय द गवर्नमेंट? सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, यानी इसमें से 4 या 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है. 6 का तो नहीं आता, लेकिन 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है. यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, सिर्फ उसी के बारे में इसमें पूछा जाएगा. जैसे इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नेक्स्ट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. पहले ये दो देख लेते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इन अवर कंट्री द नेशनल इनकम या अवर इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पीपल, दीज आर अनइक्वल. इट मीन्स द रिचर बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर. यानी हमारे देश में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी अनइक्वल होता है, जिससे रिचर बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर, जिससे अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं. सो दिस ऑल्सो क्रिएट द गैप बिटवीन हैव एंड हैव्स नोट, यानी richest एंड poorest सेक्शन. यानी जिसके कारण हैव्स और हैव नोट, यानी richest और poorest के बीच जो गैप है वो काफ़ी वाइड होता जाता है. देन दीज गैप कैन बी रिड्यूस बाय द गवर्नमेंट बाय देयर बजटरी पॉलिसी. तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी बजटरी पॉलिसी से इस गैप को रिड्यूस कर सकती है. कैसे? बाय यूजिंग द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी. यानी इसमें दो मेन पॉलिसी अप्लाई की जाती हैं, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी. इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, यानी टू रिड्यूस द गैप या टू क्रिएट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारी इनकम का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपनी बजटरी पॉलिसी के द्वारा. एंड फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस द बजटरी पॉलिसी. एंड फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज द हैवी टैक्स बर्डन ऑन द रिचेस्ट पर्सन एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पुअरेस्ट सेक्शन. यानी जिसके कारण जो अमीर लोग हैं उन पर बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे उनकी इनकम रिड्यूस हो जाती है. और इसके साथ साथ जो पैसा आता है उसको सब्सिडी के रूप में किसको प्रोवाइड किया जाता है, पूरे सेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण हमारे देश में स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम्स है दीज कैन बी रिड्यूस्ड. सो बाई दिस प्रोसेस या बाई देयर बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
in our economy, it means the income also redistributed by the budgetary policy among the richest and poorest section. So these are the main objectives of the government budgetary policy. यानी income को redistribute किया जाता है, दोबारा से distribute किया जाता है ताकि richest और poorest के बीच gap बहुत ज़्यादा मात्रा में create ना. Then second is reallocation of resources. रीएलोकेट करना, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना. आप ये देखो, व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दे प्रोड्यूस दोज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड हिम द मैक्सिमम प्रॉफिट. यानी वो ऐसी वस्तुओं में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं जिनमें उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन अवर कंट्री. हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो री एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच ए मैनर्स दैट द गवर्नमेंट कैन बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. यानी दोबारा से उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कैसे? यानी ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच बैलेंस क्रिएट हो सके. ना ही तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जिससे सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो जाए, तो सोशल वेलफेयर भी मेंटेन रहे और प्रॉफिट का प्रोसेस भी चलता रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा वरना. तो इन दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के द्वारा करती है. वी ऑल्सो नो दैट फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो नो दैट द प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ओनली दोज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड्स हिम मैक्सिमम प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल दे प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द हेल्थ इंजूरियस प्रोडक्ट, क्योंकि इनमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है, टबैको है, यानी इनके प्रोडक्शन में, क्योंकि इन वस्तुओं के हैबिचुअल होने के बाद सभी कंज्यूमर इनको परचेज करते हैं, इसलिए ऐसी वस्तुओं में के प्रोडक्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. तो अगर ऐसी वस्तुओं के रिसोर्सेज में, ऐसी वस्तुओं के प्रोडक्शन में सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं तो बाकी वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होगा. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑल्सो अप्लाइड देयर बजटरी पॉलिसी. गवर्नमेंट क्या करेगी? द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज द हैवी टैक्स बर्डन ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हेल्थ इंजूरियस प्रोडक्ट. तो ऐसी वस्तुओं के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगा देती है जिससे ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. एंड टू इनकोरेज द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर. और ऐसी वस्तुओं के प्रोडक्शन को इंकोरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, द टैक्स कंसेशन ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट एज वेल एज द सब्सिडीज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर दोज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पर एक्सपेंड किया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स में कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो सके. सो बाई दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सिस इन सच ए मैनर्स दैट द देर इज़ ए बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रिसोर्सेज को ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच बैलेंस क्रिएट हो सके. राइट, दीज आर द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी. देन थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी कह सकते हैं हम इसको. इट मीन्स कि हमारे देश में जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट रहता है. हमारी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल आते रहते हैं. ट्रेड साइकिल इट मीन्स जैसे ये कांस्टेंट प्राइस है, लेकिन रियल में हमारे देश में जो प्राइस लेवल होता है वो इस तरह का होता है. इट मीन्स बूम की सिचुएशन, फिर रिसेशन आता है,
फिर रिकवरी होती है, फिर बूम की सिचुएशन आती है, तो इसमें से इन अवर इकोनॉमी द सिचुएशन ऑफ बूम रिसेशन एंड रिकवरी दीज आर कंटिन्यूस प्रोसेस इन अवर इकोनॉमी. द प्राइस कैन नॉट बी स्टेबल, कभी नहीं रह सकती स्टेबल, बट द गवर्नमेंट ट्राई टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल इन अवर इकोनॉमी बाई देयर बजटरी पॉलिसी. तो इसमें दो सिचुएशन पाई जाती है, एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन, इन्फ्लेशन, और सेकेंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी जिसमें प्राइस लेवल बहुत हाई रेट से इंक्रीज होता है, और डिफ्लेशन जिसमें प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है, प्राइस लेवल डाउन चला जाता है, यानी ये इन्फ्लेशन और ये डिफ्लेशन की सिचुएशन. सो टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट मीन्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट ऑल्सो अप्लाइड देयर टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी. किसके लिए क्या करेगी, द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज द हैवी टैक्स बर्डन ऑन द पीपल्स एज वेल एज द सब्सिडीज ऑल्सो रिड्यूस्ड. सब्सिडीज बिल्कुल खत्म कर दी जाती हैं और टैक्स बर्डन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे दीज प्रोसेस ऑल्सो डिक्रीज द मनी सप्लाई इन अवर इकोनॉमी. मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, देन दीज ऑल्सो डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, एंड वेन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेज देन वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. नेसेसरी है इन्फ्लेशन, किस लिए होता है, मनी सप्लाई बढ़ने से. तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्राइस लेवल डाउन आ जाएगा, और हमारी गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है. देन सेकेंड सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, ये दोनों ही डेंजरस होती है. टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन द गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्रीज द टैक्स बर्डन एज वेल एज प्रोवाइड सब्सिडी. तो टैक्स बर्डन को कम कर दिया जाता है और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, देन दीज प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीज द मनी सप्लाई इन अवर इकोनॉमी. इससे हमारे देश में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, देन दीज ऑल्सो इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, एंड वेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज देन प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप. तो हम डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो बाय देयर बजटरी पॉलिसी, बाय देयर टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल इन अवर इकोनॉमी. सो ये तीन जो मेन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं, और इसमें पर्टिकुलर एक पॉइंट पूछा जाता है और एक पॉइंट 3 या 4 मार्क्स के लिए अप्लाई होता है, इसलिए इनको 3 या 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 60-70 वर्ड लिमिट में इनको आपको प्रिपेयर करना है, राइट. सो आप ये तीनों प्रिपेयर कर लेना फिलहाल, एज दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. फॉर द फर्दर कनेक्शन प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.